जंगल के सारे नन्हे पक्षी एक साथ बैठे बातें कर रहे थे पक्षियों अब बहुत खेल लिया मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ हाँ भाई दोस्तों मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ चलो दोस्तों कुछ देर आराम कर लेते हैं फिर दोबारा ऐसी सब मिलकर खेलेंगे रुको रुको दोस्तों मुझे कुछ बताना है तुम सबको अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आ रहा है मेरे पापा बड़ी बर्थडे पार्टी करेंगे मेरे जन्मदिन की तभी मानो चिड़े को भी याद आता है अगले हफ्ते तो मानो चिड़ी का भी जन्मदिन आ रहा है अरे अरे मैं तो भूल गया अगले हफ्ते तो मेरा भी जन्मदिन आ रहा है वाह मानो चिड़े इसका मतलब तुम्हारे पापा भी तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे ना? नहीं राजू कवि मेरे पापा तुम्हारे पापा जैसे अमीर नहीं उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं होते मानो चिड़े मैं तो अपने पापा से जिद करके अपने जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी रखवाऊंगा मैं तो कहता हूँ कि तुम भी जाओ और जाकर अपने पापा से जिद करो देखना मैं भी तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे तुम खाना पीना सब छोड़ दो तुम्हारे बाबा को तुम्हारी बात तो मान नहीं होगी मानो चिड़ा भी राजू कौवे की बातें सुनकर सोच रहा था इतना कहकर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है राजू कौवा शायद ठीक कह रहा है सब मामा पापा के पास पैसे होते हैं परंतु वे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते मैं तो जिद करके अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनवा कर ही रहूँगा ये कहकर मानो अपने घर पर जाता है बाबा बाबा मेरी बात सुनो ना क्या बात है बेटा जल्दी बताओ मुझे खेत भी जाना है फिर बहुत सारा काम करना है जाकर मानो क्या हो गया है क्यों परेशान कर रहे हो बाबा को इन्हें जाने दो आप दोनों मेरी बात सुनो अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आ रहा है क्या आप दोनों मेरा जन्मदिन भूल गए अरे भाई मैं अपने बेटे का जन्मदिन कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारे जन्मदिन पर मैं खुद घर में अपने हाथों से केक बनाऊंगी। मम्मा आप हर बार मेरे साथ ऐसा ही करती हो मुझे इस बार अपनी जन्मदिन की पार्टी बहुत धूमधाम से मनानी है क्या भाई मानो चिड़े का अगले हफ्ते जन्मदिन आ रहा है अभी तो मीनू चिड़िया तुम्हारा जन्मदिन आया था अब इतनी जल्दी मानो चिड़े का जन्मदिन भी आ गया मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं अब मैं क्या करूँ बाबा आप बस हमेशा झूठ बोला करो मैं सब जानता हूँ कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। आप बस मुझ पर खर्च नहीं करना चाहते बस मैंने कह दिया है इस बार मैं अपनी जन्मदिन पार्टी पर जंगल के सब पक्षियों को बुलाऊंगा और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं भोजन नहीं खाऊंगा और तो और आप दोनों से कभी बात नहीं करूंगा फिर बस करो बस करो मनोजड़ी अपने बाबा को परेशान मत करो तुम तो जानते हो ना कि हम इतने अमीर नहीं अगर तुमने दोबारा जिद की तो एक लगाऊंगी मैं तुम्हें मीनू क्या हो गया है तुम इसे डांट क्यों रही हो आप चिंता न करें ये ठीक हो जाएगा कुछ देर में आप बेफिक्र होकर जाए फिर सोनू चेड़ा अपने काम पर चला जाता है रात हो जाती है सारे पक्षी सो रहे थे बस मानो चेड़ा अपने जन्मदिन का ही सोच रहा था मैं जानता हूँ बाबा मेरा जन्मदिन कभी भी धूमधाम से नहीं मनाएंगे बस हर समय मुझे डांटते ही रहते हैं काश कि कालू अंकल मेरे बाबा होते कालू अंकल तो राजू कावे की सारी फरमाइशें पूरी करते हैं और मैं हूँ कि मेरे बाबा मेरी एक फरमाइश भी पूरी नहीं कर रहे मैं तो फंस गया हूँ इस घर में मुझे इस घर में अब और नहीं रहना ये कहकर मानो गुस्से में घर से बाहर चला जाता ही रात काफी हो रही थी हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था मानो को तो अब थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था इतनी रात को जाऊं तो कहाँ जाऊं परंतु सोच लिया है मैंने अब मैं अपने घर में वापस कभी नहीं जाऊंगा। अब मानो चिड़ा उड़ते उड़ते काफी ही दूर निकल जाता है वहीं मीनू चिड़िया की भी खुल जाती है और वे मानो चिड़िया को घर पर न देख कर काफी ही परेशान हो जाती है मानु चेड़ा ये मानो चेड़ा इतनी रात को कहाँ चला गया सोनू चिड़े सोनू चिड़े जल्दी उठे देखे तो हमारा बेटा घर पर नहीं है सोनू चिड़ा फौरन से उठता है आखिर कहाँ चला गया मेरा बेटा मुझे तो बहुत चिंता होने लगी है सुनो चिड़े आज मैंने उसे बहुत डाँटा था कहीं इसी कारण तो भी घर छोड़कर तो नहीं चला गया ना मीनू चिड़िया ऐसे सोचने से क्या होगा चलो जाकर घर से बाहर ढूंढते हैं वे दोनों फौरन से मानो चिड़े को ढूंढने अपने घर से बाहर जाते हैं वहीं मानो चिड़े के पीछे नन्ना ची लग जाता है बचाओ बचाओ मुझे कोई बचाओ ये नन्ना चील मुझे खा जाएगा कोई मुझे बचाओ मुझे बचाओ चिड़ी ये तो मानो चिड़े की आवाज लगती है लगता है किसी मुश्किल में है वे दोनों फौरन से आवाज़ सुनते सुनते मानो चिड़े को ढूंढ रहे थे हाँ चील जो मेरे बेटे को कुछ भी किया चले जाओ यहाँ से हाँ चले जाओ यहाँ से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा न चील चील के मारे फौरन वहाँ से चला जाता है चलो मानो चिड़े घर ये जगह खतरे से खाली नहीं यहाँ पर चीले भी आ सकते हैं फिर वे सारे वापस अपने घर में आते हैं मानो चेड़े ये कैसा बचपना है तुम्हारा आधी रात को घर छोड़ कर कहा जा रहे थे मामा बाबा आप दोनों ने मुझे क्यों बचाया काश के वे नना चिड़ मुझे खा जाता मानो चिड़े क्यूँ ऐसी बातें कर रहे हो क्या हो गया है तुम्हें फिर मानो चेड़ा गुस्से में घोंसले में जाकर सोचाता ही मीनू चिड़िया और सोनू चेड़ा तो मानो चिड़े की इस हरकत से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे मीनू चिड़िया मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मानो चिड़े का जन्मदिन धूमधाम से मना सकूं। समझ नहीं आता क्या करूं? इसी चिंता में मीनू चिड़िया और सोनू पूरी रात सो नहीं पाते अगली रात भी आ जाती है मानो चिड़ा तो इसी चिंता में था क्योंकि कल मानो चिड़े का जन्मदिन था क्या करूं क्या करूं? कल मेरा जन्मदिन है और मामा और पापा तो मेरी बात ही नहीं मान रहे मानो चिड़ा इसी चिंता में सो जाता है अरे मम्मा पापा आप दोनों ने आग पर पट्टी क्यों बांधी हुई है और ये क्या हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए बेटा मानो अब तुम खुश हो जाओ क्योंकि इन पैसों से हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाएंगे क्या सच्ची परंतु मम्मा हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए बेटा तुम्हारी जिद की वजह से मैंने और तुम्हारे बाबा ने अपनी अपनी दोनों आँखें उल्लू बैजी को बेच दी हैं हाँ मेरे बेटे देखो अब हमारे पास पैसे आ गए हैं अब मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। ये सब देख कर मानो चिड़े की आँखें नम हो जाती हैं और तभी ही मानो चिड़े की आँखें खुल जाती हैं और वे उड़ जाता है सोनू चिड़ी आज हमारे बेटे का जन्मदिन है क्या करें हम मीनू चिड़िया मानो चिड़े की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं मैंने सोच लिया है कि मैं अपना वे खेत बेच दूंगा और जो पैसे आएंगे उससे मैं मानो चिड़े का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊंगा ड़े उस खेत को बनाने में तो आपकी सालों की मेहनत है हाँ मैं जानता हूँ मेरे सालों की मेहनत है परंतु मानव चिड़े की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं ये सब मानोचिड़ा चिड़ा भी सुन रहा था ये सुनकर तो मानोचिड़ा चिड़ा काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है मानोचिड़ा चिड़ा फौरन से उठता ही और सोनू चिड़े से कहता है बाबा बाबा आप अपना वे खेत ना बेचें क्योंकि मुझे अपनी जन्मदिन की पार्टी धूमधाम से नहीं मनानी बेटा मानो तुम्हारी खुशी के आगे मेरा वे खेत और मेरी मेहनत कुछ नहीं बस मैंने सोच लिया है मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊंगा नहीं नहीं मम्मा मुझे तो आपका बनाया हुआ वे छोटा सा सा केक ही खाना है बस मम्मा मैंने कह दिया है अब मैं अपना जन्मदिन अपने घर में ही मनाऊंगा ये सुनकर तो मीनू चिड़िया और सोनू काफी खुश हो जाते हैं थोड़ी ही देर के बाद मीनू चिड़िया सा केक बना कर लाती है और सारे मिलकर वे केक खाते हैं। इस तरह मानो चेड़ा अपना जन्मदिन अपने घर में ही मनाता है दोस्तों तो इस कहानी से आप सबको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है दूर किसी जंगल में कालू कावे का परिवार रहता था कालू कौवा और रानी कवि आपस में बहुत लड़ाई करते थे कालू जी मैंने अपने भाई को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर बुलाया है अब देखिएगा आप मैं उनके लिए कितने मजे मजे के भोजन बनाती हूँ रानी अपने भाई के लिए इतनी सारी तैयारियाँ कर रही हो परंतु आज तक तुमने कभी भी दिल से मेरे लिए भोजन भी नहीं बनाया कालू जी आपको तो बस हमेशा मेरे भाई से ही शिकायत रहती है आखिर मेरे भाई ने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे भाई से हमेशा चलते रहते हैं बस ठीक है मेरे भाई को आ जाने दें फिर मैं ये सारी बातें उन्हें बताऊंगी अरे नहीं नहीं रानी मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था तुम्हें उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है ये सब बातें बस फिर कुछ देर के बाद रानी कवि का भाई भी कालू कवे के घर में आ जाता है आए आए भाई काफी ज्यादा थक गए होंगे ना आप आराम से बैठे मैं आपके लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ और कालू काव्य तुम बताओ तुम रानी कवि को परेशान तो नहीं करते हो ना अगर तुमने रानी कवि को जरा सा भी परेशान किया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कौवे भाई आप तो बस आते ही मेरे पीछे पड़ गए मैं आपकी बहन को क्यों परेशान करूंगा वही हर समय मुझे परेशान करती रहती है और फिर रानी कवि अपने भाई को भोजन न कर देती है और वे आराम से भोजन खाता है वाह रानी वाह कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा चलो थोड़ा सा और ले आओ भोजन फिर रानी कवि थोड़ा और भोजन लाती है और रानी कवि का, का भाई जल्दी जल्दी वे भोजन भी खत्म करने लगता है अरे मेरा तो दिल कर रहा है सारा भोजन ही खा जाऊं रानी थोड़ा सा भोजन और ले आओ बस इसी तरह रानी कवि का, का भाई सारा भोजन खा लेता है और कालू कवा का तो मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था रानी मुझे बहुत भूख लग रही है अगर अपने भाई से फारिंग हो गई हो तो थोड़ा सा भोजन अपने पति को भी दे दो कालू जी भोजन तो खत्म हो गया आप एक काम करें, जाकर मीनू चिड़िया के घर पर भोजन खा लें। रानी कवि की बात सुनकर कालू कवि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे वहाँ से चला जाता है अरे कालू क्या हुआ इतने उदास क्यों बैठे हो भाई बताओ क्या बात है बबलू कव्य उदास नहीं हो तो क्या करूं? रानी कवि कर का भाई कुछ दिनों के लिए हमारे जंगल में आ गया है बहुत शैतान कौवा है वो अगर मैं कोई गलती कर दूं तो बहुत ज्यादा मुझे मारता है वो और पता है आज मेरे घर का सारा भोजन खा गया अब मुझे बहुत भूख लग रही है समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूँ रे कालू कवि तुम तो वाकई बहुत परेशान हो मेरा भी एक साला था बहुत ज्यादा शैतान था परंतु शुक्र है कि उसकी मौत हो गई और मैं आजाद हो गया बबलू कवे उस शैतान कौ की तो मौत भी नहीं हो रही बस खा खा कर अपनी सेहत ही बना जा रहा है वो कालू कवे का मेरे पास एक उपाय है हम दोनों मिलकर उस शैतान कौे का किडनैप कर लेते हैं और फिर तुम तो उसे मारकर अपना सारा बदला ले लेना और उसके बाद भाई की सारी जायदाद मेरी और रानी कवि की हो जाएगी क्योंकि भाई का और कोई तो है ही नहीं सिर्फ हम दोनों ही हैं फिर तो कालू कव्य जायदाद में से थोड़ा बहुत हिस्सा तो मेरा भी बनता है क्योंकि मैं तुम्हारा इतना साथ जो दे रहा हूँ हाँ हाँ बबलू कवि पहले हम उस शैतान कवे को तो मार डालें बाकी फिर सब देख लेंगे अच्छे से अब कालू कवि ये बताओ उस कवे का किडनेप कैसे करेंगे हम इसका भी उपाय है मेरे पास उस कौवे की अभी तक शादी नहीं हुई और वे अपने लिए कोई सुंदर सी कवि भी ढूंढ रहा है अगर कोई सुंदरसी सी कवि अपने जाल में फंसाकर जंगल से दूर ले जाए तो वे कौवा आराम से जंगल से दूर चला जाएगा परंतु कालू कवि अब ये सी कवि कहाँ से लाएंगे हम हम्म हाँ इसका भी उपाय है मेरे पास फिर कालू कौवा बबलू कवि के सर पर एक फूल लगा देता है जिससे बबलू कौवा अब एक कवि लग रही थी बबलू कौवी अब लग रहे हो ना तुम एकदम कवि। बस तुम्हें अपनी आवाज़ भी थोड़ी सी बदलनी है ताकि उस शतान कौवी को जरा सा भी शक न हो कालू कवी मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं मैं फंस ही ना जाऊँ अरे भाई कुछ नहीं होगा तुम जाओ और बस अच्छे से नाटक करना फिर कालू कौवा बबलू कवे को लेकर अपने घर के पास चला जाता है कौवे भाई बाहर कोई कवि आई है जो आपसे मिलना चाहती है आप जाकर उससे मिले कवि और वो भी मुझसे मिलने आई है अभी जाकर मिलता हूँ फिर रानी कवि का भाई फौरन घर के बाहर जाता है अरे कवि जी मेरी मदद करें मेरी मदद करें मेरे भाई को जंगल से दूर पहाड़ी इलाके में चील ने जख्मी कर दिया है अब फौरन मेरे साथ चलें और उसकी मदद करें अगर मैंने इस कवि की मदद की तो ये कवि तो मेरी दोस्त बन जाएगी चलो जल्दी से इसकी मदद करता हूँ फिर रानी कवि का भाई बबलू कवी के साथ जंगल से दूर चला जाता है अरे कवी जी कहाँ है आपका भाई यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा बस तभी वहाँ पर कालू कवा आता है और एक बड़ा सा जाल रानी कवी के भाई पर फेंक देता है अरे कवी मुझे बचाओ मुझे बचाओ ये कहाँ फंस गया मैं बस फिर फौरन कालू कौवा भी वहाँ पर आता है हाँ 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 हाँ। बेवकूफ़ कौवे कितनी आसानी से हमने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया और देखो मैंने तुम्हें जाल में कैद कर लिया अब तो मैं तुमसे अपने गिन गिन के बदले लूंगा कालू कौवे तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं शैतान कौवे अब बदला लेने की बारी मेरी है तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम सारी चालाकियां ही भूल जाओगे बड़ा आया कवि से दोस्ती करेगा हा, 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 हा। फिर कालू कौवा और बबलू कौवा दोनों मिलकर रानी कवि के भाई को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिस कारण रानी कवि के भाई की सांसें आना बंद हो जाती हैं। लगता है बबलू कौवे मर गया है चलो चलो यहाँ से जल्दी से भागते हैं अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी फिर कालू कौवा और बबलू कौवा फौरन वहाँ से भाग जाते हैं बस तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आती है और मीनू चिड़िया रानी कवि के भाई को देखती है, है दी, ये तो रानी कवि का भाई है इसे इतनी बुरी तरह से किसने मारा तभी मीनू चिड़िया देखती है कि रानी कवि के भाई की थोड़ी बहुत सांसें चल रही होती हैं। कवि भाई तो जिंदा है मुझे फौरन उल्लू बची के पास लेके जाना होगा इन्हें ताकि इनकी जान बच जाए फिर मीनू चिड़िया रानी कवि के भाई को उल्लू वैदी के पास लेकर आती है मीनू चिड़िया इस कवे को किसी पक्षी ने बहुत बुरी तरह से मारने की कोशिश की है अगर तुम इसे फौरन मेरे पास न लाती तो ये अभी जिंदा न होता उल्लू वैदी कवि भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मीनू चिड़िया तुम चिंता मत करो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ फिर एक दिन गुजर जाता है एक दिन के बाद रानी कवि के भाई को होश आ जाता है शुक्र है कवि भाई आपको होश आ गया मीनू चिड़िया तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ ले आई और तुमने मेरी जान बचा ली वरना उस कालू काव्य और बबलू कावे ने तो मुझे मार ही डालना था क्या मतलब कवि भाई आपको कालू कवि और बबलू कवि ने मारा था फिर रानी कवि का भाई मीनू चिड़िया को सारी बात बताता है मीनू चिड़िया जानता हूँ कि कालू काव्य ने मुझे क्यों मारना चाहा ताकि वे मुझे मार कर मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर ले कवे भाई कालू कवे ने बहुत गलत किया है आपके साथ परंतु मेरे पास एक उपाय है फिर मीनू चिड़िया अपना उपाय बताती है अगले दिन मीनू चिड़िया रानी कवि के भाई को लेकर कालू कवे के पास आती है अरे रे मीनू चिड़िया ये मेरे भाई को क्या हो गया रानी कवि किसी दुष्पक्षी ने तुम्हारे भाई को मार दिया ये तो मुझे बहुत बुरी हालत में मिले थे वो तो मैं इन्हें उल्लू बेची के पास ले गई थी परंतु मैं इन्हें नहीं बचा सकी अरे रे मेरा भाई अब हम इनके बगैर कैसे रहेंगे इनके बगैर तो जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं रहेगा बस तभी ही रानी कवि का भाई उड़ जाता है और कालू कवा तो ये देख कर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है रे कवे भाई आप जिंदा हैं तो फिर आपके मरने का नाटक क्यों कर रहे थे फिर रानी कवि का भाई रानी कवि को सारी बात बताने लगता है रानी कवि तुम्हारा पति मुझे मारकर मेरी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मीनू चिड़िया ने मेरी जान बचा ली अरे अरे कवि भाई आप झूठ क्यों बोल रहे हो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बस कालू जी मैं सब जानती हूँ कि आप मेरे भाई से कितनी नफरत करते हैं लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप मेरे भाई की जान भी ले सकते हैं कालू जी मैं अब आपके साथ कभी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ रानी कवि बस उल्लू सैनिक आते ही होंगे कालू कव्य को पकड़ने इसमें गलती बबलू कवे की भी है तो सजा तो उसे भी जरूर मिलनी चाहिए कालू कवि उल्लू सैनिक ने पहले ही बबलू कवे को पकड़ लिया है अब बस तुम्हारी बारी है फिर वहाँ पर उल्लू सैनिक आता है और वे कालू कावे को पकड़ कर ले जाता है अब कालू कौवा और बबलू कौवा दोनों ही काफी सालों के लिए पिंजरे में कैद हो गए थे और अब उन दोनों को अपनी गलती की सजा मिल जाती है